बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त असरदार होगा और हम लोग सारे जुट करके इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और इसका व्यापक असर होगा जी। सरकार बानेगी से ऋषि को इस्तीफा लेगी। देखिए ये सब जो है ना मनवाने का तरीका आना चाहिए, झुकाने का तरीका आना चाहिए और वो हम लोग को भली भांति आता है। सरकार जरूर मानेगी और जरूर झुकेगी। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक क्या कुछ कहा गया? हिंडनबर्ग के रिपोर्ट्स में तो काफ़ी कुछ क्लियर है। नंबर वन रिपोर्ट भी आया, नंबर टू रिपोर्ट भी आ गया। अब इससे ज़्यादा साफ और क्या लिखेंगे उस रिपोर्ट में? और जो समझदार है वो तो सब जानते हैं और समझते हैं। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट एक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे, द वे कि कंट्री जा रहा है और किधर जा रहा है, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब तो जो सेबी के चेयरमैन हैं उनका ओन एडमिशन है कि अडानी के पार्टनर हैं, शेयर खरीदा है, ये उनका ओन एडमिशन है। अगर वैसा भी आदमी सेबी का चेयरमैन रहता हो तो इसका माने संलिप्तता तो सरकार संस्थाओं के हेड को आपस में मिला करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इससे खराब घटना कुछ हो नहीं सकती है। पूरे देश भर में प्रदर्शन, देश भर में हर जगह प्रदर्शन है। बिल्कुल, तो देखा आपने साफ तौर पे पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अखिलेश प्रसाद सिंह यानी कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को समर्थन में साथ में आज ईडी तक जाएंगे और ईडी के दफ्तर तक ये प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन सेबी चीफ के इस्तीफे को लेकर है। और साफ तौर पे अडानी के खिलाफ आज पूरे देश भर में एक बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई से कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से एकजुटता दिखाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है और इंडिया के घटक दल नहीं है। देखना होगा कि ईडी के खिलाफ, सेबी के खिलाफ जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो कितना असरदार होता है। पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।